हिंदुस्तान के लोगों को एक तरीके से लूटा जा रहा है। आज आपको एक बार बता दूं, जो केरला स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, मैं वो ना देखी और ना मैं देखूंगा। अभी हाल ही में एक बड़ा जो फैसला आरबीआई ने लिया है, 2000 के नोट बंद कर दिए, क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे कि बार बार नोटबंदी हो रही है, ये फैसला सही है? देखिए, मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश की वर्तमान सरकार को बार बार ब्लैक मनी के नाम पर नोटबंदी करनी पड़ रही है। और अभी हाल ही में हमारे एक व्यक्ति जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हरबंस लाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब गरीबों से पैसा निकलवाना था तब उन्होंने शाम को आकर रात के 8 बजे के बाद उसको इनलीगल टेंडर कर दिया था और तत्काल बंद कर दिए थे 500 और 1000 के नोट। आज जब उन्हें अपने ही लोगों से, अमीर लोगों के बीच में से निकलवाना है, तो उन्होंने उनको सितंबर तक का समय दे दिया है। देखिए, ये सुनिश्चित उनकी एक रणनीति के तहत वो कार्य कर रहे हैं, वो एक माहौल भय का बनाना चाह रहे हैं, जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को एक तरीके से लूटा जा रहा है, उनके घर में जो इमरजेंसी पैसा वो बाहर निकालना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज, ध्यान भटकाने के लिए कि आप इस नोटबंदी के मायाजाल में फंसे रहे, हम फिर से इस देश को विभाजित करने का काम करें। ये मैं इसको बिल्कुल गलत तरीके से ले रहा हूं। अगर आपको इतना था, आप दूरदृष्टि की बात कर रहे हो, हमारे स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जो नींव उस समय रखी उसका आज भी हमें मिल रहा है। आप चंद वर्षों में ही आपको चेंज करना पड़ रहा अपना वो नोट, आप क्यों लेकर आए उसे अगर आपको विश्वास नहीं था? और आज भी ये स्पष्ट नहीं है, उसमें पहले बोला गया था, आज ही मैंने आपके मीडिया के माध्यम से जाना है, आज भी स्पष्ट नहीं है कि वो इसे बंद कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? आपको अपनी दी हुई करेंसी पे विश्वास नहीं है, आप वो करेंसी फिर वापस देखना चाह रहे हैं? बड़ा अजीब सा, ये पहला इतिहास में पहला देश का प्रधानमंत्री या पहली सरकार है जिसे अपने किए हुए काम पर वो क्या कहते हैं ना, भरोसा नहीं है। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, केरला स्टोरी, आपने देखी है? अगर तो क्या लगता है कि उससे जो मैसेज जा रहा है वो सही है? देखिए, मैं आज आपको एक बार बता दूं, जो केरला स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, मैं वो ना देखी और ना मैं देखूंगा। रीजन इज दैट कि आप सत्य को लेकर नहीं आ रहे हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर ने सबसे पहले क्या काम किया था कि हिंदू, अरे अपने जर्मनी की सारी किताबें जलवा दी थी ताकि लोगों को इतिहास ना मालूम पड़े, वो अपना इतिहास लेकर आ रहा था, ये जला नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई एक पॉइंट को पकड़ के, आधा अधूरा पॉइंट पकड़ के इन्होंने केरला स्टोरी बनाई है। भाई साहब, अगर ऐसा कुछ होता है इस हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान गंगा जमुना जैसा पवित्र हिंदुस्तान है, यहाँ पर कभी भी इस तरह की ना तहजीब रही है ना कोई परंपरा रही। जिन्हें करना था वो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, वो आज पाकिस्तान में बसते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये टोटल सिर्फ भटकाने का वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप कृपया करके केरला स्टोरी का यथार्थ पढ़ लीजिए आप।